उदय इंडिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय खेरा आपसे अभी हाल में जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनका निकट में दूसरे प्रदेशों में होने वाले चुनाव पर क्या असर होने वाला है उस पर चर्चा करूंगा। जब भी कोई राष्ट्रीय चुनाव या स्टेट का चुनाव होता है उसके निकट में कोई दूसरा जनरल इलेक्शन आ जाता है तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है, ऐसा देखा गया है। अभी जो चुनाव जम्मू कश्मीर में और हरियाणा प्रदेश में हुए हैं इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से दोनों जगह पर ही अपनी सुधार किया है, वोटों में सुधार किया है, पहले से ज़्यादा अच्छी उनकी स्थिति मजबूत हुई है। हरियाणा में तो वो सरकार बनाने में भी सफल हुए, साथ ही पहले से ज़्यादा सीटें भी उन्होंने प्राप्त की हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों से अधिक सीटें प्राप्त की हैं। जम्मू कश्मीर की बात पहले करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले चुनाव में जो कि 2014 में हुए थे उस समय विधानसभा में उसकी 25 सीटें थीं और अब 2024 के चुनाव में उसकी सीटें 29 हो गई। वहीं कांग्रेस पार्टी की 12 सीटें थीं अब 6 रह गई, यानी आधी ही रह गई। अगर जोड़ लगाएं तो कांग्रेस पार्टी से 5 गुनी ज़्यादा सीटें इस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ खोया नहीं, पाया ही है, लेकिन कांग्रेस ने खोया है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने जोरों शोरों से बोल रही थी कि हमने वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भारी विकास किया है, किया भी है, दिखाई भी दे रहा है, वहाँ पर शांति स्थापित की है, ये भी सच है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने वहाँ पर हिंदुस्तान का संविधान 370 हटाने के बाद लागू कर दिया और भारतवर्ष का झंडा वहाँ लगता है। पीछे तो बरसों बरस से वहाँ के लोग कभी कभी कुछ लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाते थे, हिंदुस्तान का भारत का झंडा भी फाड़ देते थे, वो सब बंद हो गया, ये सब सच है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, विशेष तौर से कश्मीर क्षेत्र में। तो ना उन्होंने चुनाव हालांकि नहीं लड़ा था, लेकिन उनकी मंशा थी कि कुछ निर्दलीय लोग जीत के आएंगे वहाँ से, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक बात स्पष्ट हुई है इन चुनावों में कि मुस्लिम्स मतदाता ने सिर्फ यही देखा है कि वो अपने ही मजहब के हिसाब से या अपनी ही सुविधा के हिसाब से वोट देते रहे दिए हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा इस ओर कि हमको क्या लाभ मिला है, हमको क्या विकास से हमें कितने फायदे हुए हैं। जबकि जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म बेतहाशा फिर से बढ़ा है, जो लगभग समाप्ति की ओर था। डल झील तो जैसे बिल्कुल सुस्त पड़ी रहती थी, बंद पड़ी रहती थी, अब वो जाग गई, जिंदा दिखाई देती है। वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल गया, पर्यटक आने लग गए इलाकों में, ये सब हुआ। आतंकवादी गायब हो गए, पत्थरबाज गायब हो गए, लोगों की ज़िंदगी में शांति आई, सुरक्षा महसूस करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में साथ नहीं दिया, वोट नहीं दिए। और तो और जिन लोगों को रिजर्वेशन भी दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, में जो 60-70 साल से जिन्हें अपना अधिकार नहीं मिला था, विशेष तौर से बकरवाल, गुर्जर, अन्य पहाड़ी लोग, उनको रिजर्वेशन दिया पार्टी ने, लेकिन उन लोगों ने भी वोट एनसीपी को ही दिया। एक बात और उभर के आई है इसके साथ साथ कि पीडीपी जो सबसे बड़ी पार्टी थी 2014 के विधानसभा चुनाव में, वो बुरी तरह मात खा गई, तो कांग्रेस से भी कम सीटें पाई है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ सवाल ये नहीं था कि पीडीपी है कि एनसीपी है, वहाँ सवाल ये था कि किसी भी तरह से किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री न बन सके,
भारतीय जनता पार्टी सरकार पर काबिज न हो सके, ये उनका एक उद्देश्य था। इस कारण आंख बंद करके एक तरफ उन लोगों ने एनसीपी को यानी अब्दुल्ला की पार्टी को वोट दिया। हालांकि कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, कहने को उसको जरूर है कि वो मिलके साथ लड़ रही थी, लेकिन तो 12 से 6 सीटों पे रह गई, तो कांग्रेस को तो कुछ कहने को रहा नहीं। और अब आए अगर हरियाणा में, तो हरियाणा में भी कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया कि जातिवादी से उसको वोट मिले, जाटों को बांटने का प्रयास किया, यहाँ तक कि हर जगह जाति गणना हम कराएंगे, हम ये कराएंगे, ये सब बातों को भी प्रचारित किया। लेकिन उनका पाला एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे नेता से था और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से नेतृत्व विहीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ नेतृत्व की क्षमता उनमें नहीं है, कांग्रेस पार्टी के आला कमान के लोगों में। उसका नतीजा ये निकला कि मोदी जी के जाने के बाद हरियाणा में माहौल में परिवर्तन हुआ, और फिर जब योगी जी गए तो और भी परिवर्तन हुआ। फिर ये भी इन्होंने प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने का कि हम सब एकजुट हैं। अक्सर लोग कह रहे थे कि गडकरी जी अलग लाइन में चल रहे हैं और प्रधानमंत्री की बातें कहीं कुछ तरह की बातें होती रहती थी, तो वो सब दिखाई नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने में सफल रही वो कि हम सब एकजुट के चुनाव होकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि गडकरी जी भी वहाँ चुनाव में गए हैं, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और सबसे मजबूत बात राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसका लोग कह रहे थे कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में अस्वस्थ थी कि वो किसी भी तरह से बड़े भारी मेजोरिटी से चुनाव जीत रही है, और उसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो गांव-गांव में जाकर रहते हैं, चुनाव के कई दिन पहले पहुँच जाते हैं और रात दिन काम करते हैं और उसी गाँव का एक हिस्सा बन जाते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं, वो सब नहीं देखने को मिला था। लेकिन अब हरियाणा के चुनाव में फिर से आरएसएस के कार्यकर्ता क्रियाशील हुए और उस क्रियाशीलता की भी फायदा हुआ। कहने का मतलब हमारा ये है कि हरियाणा में ये साफ दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकजुट है इस बार, उसमें कहीं इधर उधर कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के लाख कहने के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस में तीन फाड़ बने रहे और वे इकट्ठे नहीं हो पाए। हालांकि दो नेता कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला, इन लोगों का कोई व्यापक प्रभाव है नहीं हरियाणा में, अगर है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ही है, लेकिन इन सब के आपस में मनमुटाव होने से, मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होने से ये चुनाव कांग्रेस पार्टी वहाँ नहीं जीत पाई है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। इसमें थोड़ी बहुत सत्यता हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी जी खुद वहाँ जाकर हरियाणा में कोई दिशा नहीं दे सके, वोटों को आकर्षित नहीं कर सके, खाली जाटों को विभाजित करके और उनके वोट पाकर जातिवाद के आधार पर एक करके जीतना चाहते थे, वो संभव नहीं हो सका। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से कुछ समय पहले ओबीसी पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बना के एक और संदेश दिया कि हम पिछड़ी जाति को अपने साथ मिलाकर चलते हैं, और इसलिए अलग अलग जाति गणना की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछड़ी जाति का मध्य प्रदेश में यादव जाति से मुख्यमंत्री बनाया, जबकि यादव जाति के ही अपने आप को ओबीसी का नेता कहने वाले उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव केवल यादव जाति को ही प्राथमिकता देते हैं, केवल अपने परिवार को और यादवों को ही पीछे प्राथमिकता उन्होंने दी है। 10-10, 12-12, 14-14 एमएलसी यादव जाति के ही रहे हैं, उनके खानदान से भी रहे हैं, तो यहाँ बड़ा भारी फर्क है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने यादव का भी फर्क नहीं किया, ये जानते हुए भी कि यादव वोट अखिलेश यादव को मिलेंगे, फिर भी ठीक
उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले यादव जाति के ही व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इसका भारी असर पड़ा है। सारी जो पिछड़ी जातियां हैं अब वो ये सोचने लगी कि सारी जातियों को भारतीय जनता पार्टी एक साथ लेके चलती है, जबकि दूसरे ओबीसी के नेता बनने वाले लोग केवल अपनी ही जाति के बारे में सोचते हैं। और अब इन चुनाव का असर निकट में चुनाव होने वाले महाराष्ट्र, झारखंड प्रदेश और दिल्ली पर भी पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि निकट में ही ये चुनाव है, तब तक जनता इसको भूलेगी नहीं। और विशेष तौर से ये फिर दो बातें सामने आएंगी, एक धर्म के आधार पर जो वोटिंग हुई कश्मीर और हरियाणा में, वो क्या वोटिंग लोग देख नहीं रहे हैं, क्या जनता समझ नहीं रही है? अब तो हिंदू भी ये समझ रहा होगा, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी और दिल्ली में भी, कि ये हरियाणा में क्या हुआ, क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में केवल मुसलमानों को ही टिकट दिए और भारी मार्जिन से जहां मुसलमान वोट थे और मुसलमान प्रत्याशी जीते भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में फिर खाई बनाकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना चाहती है। ऐसा हो नहीं पाएगा अब अगर महाराष्ट्र में कहें, जहां बाहुल्य तो है पर मुसलमानों की संख्या भी बहुत है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, ये तीनों इकट्ठे भी होने से भारी तो वही शिवसेना है जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, इन तीनों में शरद पवार भी भारी पड़ते हैं कभी कभी, लेकिन वही भारी है और उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी रहेगी कि एनडीए की इन लोगों की सरकार वहाँ पर बने, इंडी की, उसको बनाने के लिए ये कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन एक तो वो जो डिवीज़न हुआ है हरियाणा में और कश्मीर में, इसका असर देखने को मिलेगा। और पूरी संभावना दिखाई दे रही है कि मुसलमानों की तरह शायद महाराष्ट्र में हिंदू वोट भी एकजुट हो जाए। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे की हालत तो ये हो ही गई है कि दो पार्टों के बीच में साबित बचा न कोई, क्योंकि ना तो वो हिंदुओं के रहे ना वो मुसलमानों के रहे। हिंदुओं की शिवसेना तो चली गई अब शिंदे के साथ, तो इनके पास बचा कुछ नहीं है। मुसलमान वोटों का ज़्यादा विश्वास एनसीपी में रहता है, तो वो वहाँ तक कुछ होगा, एक तरफ बटेंगे। इन सब को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि अब आसानी से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की शिवसेना ये वहाँ पर जीतेगी भी और सरकार बनाने में भी सफल हो जाएगी। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में निश्चित रूप से अब की बार आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है मोदी सरकार ने, यहाँ तक किया है कि जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र थे वहाँ पर भारी विकास हुआ है, उनको भारी सुविधाएँ पहुँची हैं। हाल ही में आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन भी दिया है, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी एक आदिवासी क्षेत्र से बनाया गया है। इसलिए झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का रास्ता इन चुनावों के परिणामों ने आसान कर दिया है। दिल्ली में तो आप पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई अभी शुरू हो गई है। अभी ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यादव जी केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी कुछ मुखर हो रहे थे, कह रहे थे इनसे किसी तरह समझौता नहीं होगा। और आपकी पोल तो हरियाणा में खुली गई है, अच्छी तरह से पोल खुली है, लगभग सभी सीटों पर लड़े होंगे वो, 80 के आसपास सीटों पर लड़े हैं वो, और सारी सीटों पर एक को छोड़कर उनकी जमानत जब्त हो गई। वहाँ चिल्ला कर अरविंद केजरीवाल जी कहते रह गए कि मैं हरियाणा का बेटा। हालांकि यही कहते उनका मुँह दिल्ली में भी नहीं थका कि मैं दिल्ली का बेटा, लेकिन हरियाणा का बेटे ने हरियाणा में वोट नहीं मिले तो अपनी अब की बार दिल्ली का अपने आप को छूटा बेटा बताने में वो कामयाब, वोट लेने में नहीं हो सकेंगे। और कांग्रेस का और उनका वोट बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता दिल्ली में भी सरकार
बनाने का आसान दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, निकट भविष्य में होने वाले इन तीनों प्रदेशों में कांग्रेस को फिर मुँह की खानी पड़ेगी। एक तो नेतृत्व कमजोर है, दूसरे पार्टी का संगठन है ही नहीं, तीसरे प्रदेश में तीनों जगह अब कांग्रेस के पास कोई जुझारू नेता भी नहीं बचा है और ना ही संघर्षशील कार्यकर्ता उसके पास हैं। तो खाली कांग्रेस नाम पर भी अब उसको वोट नहीं मिलते हैं, मिलने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि वो गांधीवाद के रास्ते पर भी इस दौरान चली नहीं और ना ही जनता की भलाई कर सकी। भारतीय जनता पार्टी का विकास खुल के बोलेगा। यहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है, तीनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत लेगी। धन्यवाद।